A week after India launched the world's biggest vaccination drive, Prime Minister Narendra Modi addressed the World Economic Forum in an online dialogue session of the ongoing Davos summit. Over 400 industry leaders from across the world attended this session. The focus of the Prime Minister's speech was the fourth industrial revolution on how we can use technology for the good of humanity. The Prime Minister spoke for at least 14 minutes. He touched upon a wide range of issues from India's startup sector to infrastructure, from small and medium enterprises to global trade, and from Atman Bharat to vaccine metri. These are the key highlights from that address. आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी मुझे याद है पिछले साल फरवरी मार्च अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा जिस देश में विश्व की 18 परसेंट आबादी रहती हो उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है कोरोना शुरू होने के समय मास्क पीपीई किट टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था तब एक लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी साथियों बीते छह वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है अभी दिसंबर के महीने में अकेले में दिसंबर की बात कर रहा हूं अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में फोर ट्रिलियन रूपीज का लेन देन यूपीआई से हुआ है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने ना कि कोई ट्रैप इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे वी available नाउ अवेलेबल इन योर कंट्री डाउनलोड now. गेट ऑल द न्यूज ऑन द मूव